हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो एक फलदार पौधे के बारे में है और ये फलदार पौधा है कटहल का पौधा। तो जितने लोगों की एक डिमांड होती है, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते रहते हैं डेली बेसिस पे कि सर कोई ऐसे पौधे के बारे में बताइए जिसको आप गमले में लगा सकते हैं और अपने छत पे जो है उसे एक जगह दे सकते हैं और उस पौधे से हम फ्रूट भी प्राप्त कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज उसी के संदर्भ में एक नया पौधा मैंने ऐड किया है जिसको कहते हैं डॉर्फ वैरायटी का कटहल का पौधा। और ये एक डॉर्फ वैरायटी यानी एक बोनी किस्म का पौधा है जिसपे मैक्सिमम इस पौधे की हाइट जो होती है फ्रेंड्स वो 4 से 4.5 फीट तक होती है। और इसे आप, सबसे बड़ी बात है कि आप इसे एक गमले में लगा सकते हैं। और दूसरी सबसे यूनिक बात थी कि मैं पौधा जब लेने गया और मुझे पता नहीं था कि मुझे आज यही पौधा लेना है, और मैं जब गया तो मेरी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा फल लगा हुआ देखा। और मेरी नज़र जो है इस पौधे पे काफ़ी दिन से थी लेकिन इसमें फ्रूट नहीं था, बस मैंने इसका नाम सुना था कि ये डॉर्फ वैरायटी है। तो आज मुझे इसमें फ्रूट दिखा तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर करना जो है उचित समझा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इसमें एक छोटा सा फल लगा हुआ है जो कि 10 से 15 दिन में बड़ा होना शुरू होगा। और इस पौधे की जो हाइट है वो 1 से 1.5 फीट की है। और इसको जो है आप यूँ कह सकते हैं कि ये ग्राफ्टेड भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ग्राफ्ट लगा हुआ है। और ये पौधा मैंने नर्सरी से 150 रुपीज़ में बाई किया है। चूँकि हाइट के हिसाब से इसमें फ्रूट लगा है तो पौधे की कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाती है, नहीं तो अगर यही पौधा सीज़न के उसमें लिया जाता तो 100 रुपीज़ में तो मिल जाता, ईज़िली मिल जाता, और जो बल्क क्वांटिटी में लेंगे उनको पौधा और भी सस्ते में मिल सकता है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए, अगर पौधा अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आप नर्सरी ओनर से संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि क्या वो पौधा ये भेज पाएंगे। आप, सहूलियत आपकी जैसी होगी, आप संतुष्ट हो जाइएगा तभी पौधा आप बाई करिएगा। तो ये पौधा जो है आपके सामने है और फ़िलहाल के लिए मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए मिट्टी में, इसे बहुत बड़े गमले में या ज़मीन में नहीं लगाऊंगा। मुझे अभी इसको ट्रीट करना है एक छोटे से पॉलीबैग में क्योंकि मैं इसे एक बोनसाई लुक दूंगा। बहुत बड़ा पौधा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास जो है ज़मीन जो भी है उसमें फार्मिंग होती है और जो भी है वो छत पर है, तो छत पे जो पॉलीबैग्स होते हैं मैं उसी में इन्हें अभी ट्रीट करूंगा तब तक कि जब तक इसका एक फ्रूट जो है मुझे बड़ा नहीं हो जाता। और मैं इसकी एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसके लिए क्या ज़रूरी चीज़ें और भी हमें कर सकते हैं या फिर इसमें कौन से बैक्टीरिया लगते हैं, फंगस लगते हैं, उनकी दवाओं के बारे में बताऊँगा। डिटेल वीडियो मैं दूसरे पार्ट में बनाऊँगा जब इसका फ्रूट जो है बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसका एक और भी पौधा था जो जिसमें फ्रूट लगा हुआ था और इसको मैंने अपने एक फेसबुक पेज से इसको प्राप्त किया है और इसमें कई लोगों ने शेयर किया हुआ था तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ साझा करना उचित समझा। तो आप ये भी देख सकते हैं इसमें एक बार फल लगता है और ये जो पौधा मैं बाई करके लाया हूँ इसमें साल में 2 बार फल लगेंगे, ऐसा नर्सरी ओनर ने कहा है। मैंने कोई इस पर बहुत बड़ी रिसर्च नहीं की है, ऐसा नर्सरी ओनर ने कहा है कि इसमें 2 बार फल लगेगा, लेकिन मुझे जैसा उन्होंने अभी तक बताया उतना सत्य हुआ है कि एक बार इसमें फल तो आ ही गया है और छोटे साइज़ में। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे पौधे को अपने गार्डन में जगह दे सकते हैं और तरजीह दे सकते हैं, ऐसे पौधे को आप अपने छत पे लगाएं और अपने गार्डन को जो है और भी ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।